अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी प्यारी बहनों, कैसी हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगी, खैरियत से होंगी। आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्लूपाटोन का आपने सुना होगा, हर जगह ग्लूपाटोन ग्लूपाटोन, इसको किसी वाइटनिंग क्रीम में शामिल करें और इसको स्क्रीन पे लगाएं, आजकल यही चल रहा है। और ख़ास कर जो सिस्ट्रोलॉजी है वो इसको बहुत प्रमोट कर रही है। तो ये आज की वीडियो फुल इस पे है कि ये ग्लूपाटोन का जो इमल्शन है, क्या ये अच्छा है? जब आप वाइटनिंग क्रीम में इसको इस्तेमाल करेंगे, क्या आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है? क्या इसका आपकी स्किन पे वाकई बहुत ही वाइटनिंग इफ़ेक्ट पड़ता है? तो आज मैं बताती हूँ आपकी कि ग्लूपाटोन असल में है क्या। ग्लूपाटोन जो है, बराए मेहरबानी इस प्रोडक्ट को ना ख़रीदें, क्योंकि इसमें स्टेरॉइड है जो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। और तवील इस्तेमाल, जैसे इसका तवील इस्तेमाल करेंगे आप, तो उससे बहुत ही ख़तरनाक स्किन की बीमारियां बन सकती हैं। तो स्किन की बीमारियां आपको पता है, फेस का मामला होता है। और इसको हमने ख़ुद यूज़ किया है, उसके यूज़ के बाद मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इसका क्या इफ़ेक्ट है। फिर मैंने इसको पढ़ा, फिर इसके बहुत सारे रिव्यूज़ मैंने पढ़े इस प्रोडक्ट पे, मुख्तलिफ साइट्स पे जाके के लोगों ने क्या दिए हैं। तो इसमें जो स्टेरॉइड्स हैं, जैसे मेथासोन, हाइड्रोकार्टिसोन और सबसे ऊपर ग्लूबिटासोल, जो कि बहुत ताकतवर और ख़तरनाक स्टेरॉइड है, ये जिस्म की मजमूई कुव्वत मुदाफ़त को ख़त्म करता है, यानी स्किन की, और स्किन को इतना कमज़ोर कर देता है, उसके अपना जो डिफेंस सिस्टम होता है, इम्यूनिटी होती है स्किन की, वो ख़त्म हो जाती है। और इसमें कुछ एंटी फंगल एजेंट भी इन्होंने शामिल किए हैं, जो कि अगर उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए एंटी फंगल एजेंट का, तो वो भी स्किन के लिए नहायत ही नुकसानदेह है। अगर आप ख़ुद देखें, स्टेरॉइड्स वैसे ही नुकसानदेह हैं। हर अब मेडिसिन में जो है ज़्यादातर क्या किया गया है, स्टेरॉइड्स का एक छोटा सा पार्ट लाजमी डाला जाता है ताकि बीमारी जल्द ख़त्म हो जाए। तो इसी तरह स्टेरॉइड्स का बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है पहले पहले स्किन पे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप स्टेरॉइड का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाएगी। और इसका एक्सपीरियंस खुद किया, मेरी सिस्टर की स्किन फुल दानों से भर गई, फुल उसका चेहरा जो था ऐसे हो गया जैसे छोटे छोटे पिंपल, पूरा चेहरा रेड रेड स्पॉट्स और इस तरह के, ये ग्लूपाटोन की वजह से हुआ। तो उसने माना नहीं, लेकिन फिर अगली दफ़ा जब उसने फिर यूज़ किया, फिर उसके साथ सेम यही हुआ। तो फिर मैंने उसको मना किया कि आप इस ग्लूपाटोन को यूज़ ना करें। होम्यो क्रीम है एक, उसका दो डब्बे, वो एक छोटा सा वल्शन का पैक कहते हैं कि दो वो शामिल करें, एक छोटा ये ग्लूपाटोन का शामिल करें, यानी कोई भी वाइटनिंग क्रीम में इसको शामिल करके आप स्किन पर लगाएँ। तरीका भी ठीक था, सब कुछ ठीक था, लेकिन ग्लूपाटोन इज़ Not a best product। आखिर में इसका मैं यही रिव्यू दूंगी कि मेरी प्यारी बहनों, इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करें। वाइटनिंग जो क्रीम्स होती हैं वो कुछ देर के लिए तो अच्छी होती हैं, लेकिन फिर उसका जो इफ़ेक्ट आपकी स्किन पे आना शुरू होता है वो बहुत ही ख़राब होता है। तो होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।